सरफेस टेंशन। तो ये फ्लूइड का एक और प्रॉपर्टी है, जैसे एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी विस्कोसिटी, ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी जो फ्लूइड की है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन है क्या, इसको समझने के लिए डेली लाइफ में कुछ होने वाले इवेंट्स को पहले हम समझते हैं उस, है ना। आपको पहले दिखाऊंगा कि ऐसे इवेंट्स आपने ऑब्जर्व किया वो किस वजह से हुए हैं, वो सरफेस टेंशन की वजह से हुए हैं। सबके पीछे एक ही रीजन है, दैट इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या प्रॉपर्टी है इसको समझने से पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑब्जर्व्ड फेनोमेनन, ना ये डेली लाइफ में कुछ फेनोमेनन जो ऑब्जर्व करते हैं वो किस वजह से हो रहे हैं वो हम देखना चाहते हैं। तो पहला है लेड बॉल्स आर स्फेरिकल इन शेप। जो लेड का बॉल होता है वो एक परफेक्ट स्फीयर का शेप का होता है ना, उसको आप लेट्स से एक रेक्टेंगुलर शेप ना मिलके उसको एक स्फेरिकल शेप मिलेगा। वैसे ही अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल बोलूं, सपोज आपने क्या किया है, एक ब्रांड न्यू कार ली है ना, मर्सिडीज ई क्लास, उसमें आपने एक पानी की ड्रॉपलेट है ना उसके बोनट पे रखी। तो पानी की ड्रॉपलेट बोनट पे रखोगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट आपको एक स्पेयर शेप का दिखाई देगा। उसी तरह से मरकरी जब थर्मोमीटर टूटता है तो वो जो मरकरी होता है वो भी एक स्पेयर शेप का दिखाई देता है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि अगर लेट से इस पेन पे अगर मैं कोई एक, है ना ये पेन अब पुराना हो गया ना, वैसे अगर कोई पुरानी गाड़ी के बोनट पे अगर आप पानी की ड्रॉप गिराते हो तो वो पानी की ड्रॉप स्पेयर ना होके फैल जाती है ना, स्प्रेड कर जाती है। अगर लेट से इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा है ना कि एक लेट्स से लीफ पे एक पानी की बूंद एकदम परफेक्ट स्फेरिकल शेप है। तो ये जो है ये आपका सरफेस टेंशन की वजह से है। सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो है ना, ये अगर मैं बोलूँ ये जो लिक्विड है, अगर सपोज कीजिए मैं इस है ना टॉप एक वाटर बॉटल के टॉप सरफेस से देख रहा हूँ, तो इस लिक्विड की एक लेयर, जैसे हमने लेयर की बात की थी विस्कोसिटी चैप्टर में, तो इस लेयर पे यहाँ पे दोनों साइड से ना, इस लेयर के दोनों साइड से अगर ये लेयर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड वाले वाटर मॉलिक्यूल्स इस लेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इस साइड वाले वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ इस लेयर को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो लेयर है इस लेयर पे दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा है वो इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है और इस सरफेस ऑफ वाटर के टेंजेंशियली लग रहा है। तो ये जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, जिसे मैं नाम देता हूं सरफेस टेंशन, जिससे जो आपका ना वाटर होता है वो एक परफेक्ट स्फेरिकल शेप लेता है। क्योंकि कोई भी ना, अगर हम यहां पे बात करें वाटर या कोई भी लिक्विड, वो मिनिमम कॉन्टैक्ट एरिया रखना चाहता है सरफेस के साथ। जैसे कोई भी अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, वैसे एक स्टेबल स्टेट में रहने के लिए हर कोई बॉडी अपना एक स्फेरिकल शेप अटेन करना चाहता है। क्योंकि स्फीयर का जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो मिनिमम होता है, अदर देन क्यूब ले लो या फिर कोई भी इरेगुलर शेप ले लो। तो यहाँ पे हम सरफेस टेंशन को सिंपल क्या बोल रहे हैं, हमने एक लेयर लिया, उस लेयर का कुछ लेंथ होगा एल, उस है ना लेंथ पे दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा है जो इस इमेजिनरी लाइन के लिए तो परपेंडिकुलर लग रहा है और इस सरफेस ऑफ वाटर के टेंजेंशियली लग रहा है, तो ये जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इसे आप कहते हैं सरफेस टेंशन। और ये फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस वाटर को एक स्फेरिकल शेप देने के लिए। ये जो फोर्स दोनों साइड से लग रहा है तो ये फोर्स है ना यहाँ पे इसको क्या देगा, एक परफेक्ट स्फेरिकल शेप देगा ताकि वो स्टेबल स्टेट में आ सके। सिंपल सागर डेफिनेशन बोलूं तो यहां बोला है रेन ड्रॉप्स एंड अ ग्लोब्यूल ऑफ मर्करी प्लेस्ड ऑन ग्लास प्लेट आर स्फेरिकल। तो जैसे अभी मैंने बोला रेन ड्रॉप ले लो या मर्करी ना, ग्लोब्यूल ऑफ मर्करी जो आप थर्मोमीटर तोड़ के अगर मर्करी को देखोगे तो मर्करी स्प्रेड नहीं करता है, मर्करी जो होता है एक साथ इकट्ठा होता है और फिर वो भी एक ना परफेक्ट स्फेरिकल शेप लेता है। क्यों, क्योंकि उस पर भी ना वो भी एक लिक्विड ही है तो उस पर भी दोनों साइड से फोर्स लगेगा सरफेस ऑफ वाटर के है ना लिक्विड के तो टेंजेंशियल और इस लेयर ऑफ लिक्विड के परपेंडिकुलर, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ उसको उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कहा जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हेयर ऑफ अ शेविंग ब्रश
or a painting brush, when dipped in water, spreads out, but as soon as it is taken out, its hair stick together. जैसे अगर कोई painting brush ले लो या shaving brush ले लो, जैसे पानी के अंदर ले जाते हो, तो वो जो liquid है, उस पे force लगाएगा, जिसके वजह से वो जो hair brush particles अवे जाएंगे. पर जैसे उस shaving brush को बाहर लेके आओगे, तो वो सभी particles एक दूसरे से stick कर जाएंगे. तो ये phenomenon भी आपका surface tension की वजह से हो रहा है. Next आते हैं, a greased needle placed gently on free surface of water in a beaker does not sink. जैसे ये अगर needle होता, needle पे अगर मैं let's say इस पे oil है ना की greasing कर देता, फिर इसे water पे रखता, तो ये oil है ना की density water से कम होती है, इसीलिए oil मेरा water पे क्या करता है, float करता है. तो हम अगर ये greased needle को surface of water पे रख देंगे, तो वो जो needle है वो sink नहीं करेगा, वो water के surface पे float करेगा. तो ये भी किस वजह से हो रहा है, only due to surface टेंशन. क्योंकि यहाँ पे जब आपने ऑयलिंग किया, तो ये ऑयल ने ना इसको पूरा कवर अप कर लिया ना, यहाँ पे इसके लेयर्स होंगे, तो ये कवर अप करके यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो नीडल है ये ऑयल हो जाएगा. अब इसका जो सरफेस है ऑयल हो गया, और जब इस पे वाटर के ऊपर इसे रखा गया, तो अब नीडल की डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं. हम सिंपली अगर हम देखें, एक वाटर के ऊपर अगर आप ऑयल रखते हैं, तो वो ऑयल फ्लोट करता है बस, तो ग्रीस नीडल भी फ्लोट करेगा. नेक्स्ट आते हैं, इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन फ्री सरफेस ऑफ वाटर विदाउट ड्राउनिंग. तो इंसेक्ट जो होते हैं वो वाटर के सरफेस पे ना लेट्स से फ्रीली वॉक कर सकते हैं बिना ड्राउनिंग के. उसके पीछे भी रीजन है सरफेस टेंशन, क्योंकि वहां पे भी क्या लग रहा होगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स के कारण है ना वो ड्राउन नहीं होते. अभी देखेंगे इसको आगे कैसे. एंड बिट्स ऑफ कैम्फर गम मूव इररेगुलरली व्हेन प्लेस्ड ऑन वाटर सरफेस. तो जो कैम्फर गम होते हैं ना, जो लेट्स से आप बोल सकते हो कपूर ना, उन कपूर को जब आप पानी पे है ना छोड़ते हो, तो वो ना इररेगुलरली मूव करते हैं ना, वो नॉर्मली नहीं जाते ना, कूद कूद के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. उसका रीजन भी क्या है, आपका सरफेस टेंशन. तो ये तो हमने बस बेसिक डेफिनेशंस देखे कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स है ना जो आप डेली लाइफ में देखते आए हो, वो किस वजह से आ रहे हैं, सरफेस टेंशन की वजह से. अब इस सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करने जाएंगे. तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक, सरफेस टेंशन क्या होता है. तो सरफेस टेंशन का सिंपल सा फॉर्मूला बोलूं तो, कोई एक इमेजिनरी लाइन पे कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट लाइन इज नोन एज सरफेस टेंशन, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं टी से. और सरफेस टेंशन क्या करता है, तो सरफेस टेंशन के वजह से जो लिक्विड है वो एक स्पेरिकल शेप लेता है, क्योंकि उसको अपना एरिया मिनिमम रखना है. तो यहाँ पे हमने लिखा है टोटल फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन. तो यहाँ बोल रहे हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. सरफेस टेंशन भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है एट रेस्ट. ये याद रखना है, ये जो लिक्विड होना चाहिए ये रेस्ट पे होना चाहिए. हाइड्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोडायनेमिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हाइड्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है. बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण लिक्विड सर्फेस गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू मिनिमम एरिया एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन. तो ये सर्फेस टेंशन के वजह से लिक्विड जो है वो अपना एरिया मिनिमाइज कर सकता है, और वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है. मतलब मेम्ब्रेन आप समझ रहे हैं ना, जैसे अगर लेट से रबर को खींचा जा रहा है, तो वो एक मेम्ब्रेन की तरह मान सकते हैं. तो जैसे अगर ये है ना कंटेनर में आपने पानी लिया, इसमें अगर आप यहाँ पे कोई एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, तो इस इमेजिनरी लाइन पे हमने दिखाया दोनों तरफ जो फोर्स लगेगा ना, यहाँ पे और यहाँ पे भी जो दोनों फोर्स लगेगा इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ को आप नाम दे रहे हैं सरफेस टेंशन. तो ये वो इमेजिनरी लाइन हो गया मेरा ना, इस इमेजिनरी लाइन के वो साइड्स पे जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन इज नोन एज सरफेस टेंशन. सिंपल टर्म्स में बोलूं तो, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाता, तो टॉप व्यू कैसा होता, ये वो इमेजिनरी लाइन हो गई. तो ये इमेजिनरी लाइन के जो फोर्स होना चाहिए वो तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इक्वल दोनों साइड पे इक्वल फोर्स लगेगा है ना, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन. और ये जो फोर्स होगा ये वाटर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वाटर के सरफेस पे तो परपेंडिकुलर लग रहा होगा, और उस लाइन के है ना वाटर के सरफेस के टेंजेंशियल बोल देंगे, और लाइन के परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पे बोला है सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड
is measured by force per unit length. Definition, force per unit length on either side of any imaginary line. तो जो force होगा ये line के both sides होना चाहिए, पर यही force के कारण जो liquid होता है वो एक है ना spherical shape लेता है, that is minimum area लेने के लिए. तो drawn tangentially over liquid surface, तो ये जो force होगा ये liquid surface के तो tangential होगा, force being normal to imaginary line, और इस imaginary line के मेरा normal होगा ये force. तो हम simple terms से बोले तो force by length, that is total force on imaginary line divided by length of the line. अब बात हो रही है इस surface tension का, मैं बात करने जाता हूँ dimension और इसके units की बात की जाए. चलिए तो surface tension का dimension की बात करें तो force by length, तो force का dimension MLT minus 2 divided by length का dimension L, तो L से L cancel हुआ, ये आया मेरा MT minus 2, ये तो हो गया इसका dimension. अगर अब बात करते हैं इसके unit की, that is surface tension का unit क्या होगा, तो SI unit की बात की जाए तो आपका SI unit force है newton, length है meter, तो newton per meter. और अगर CGS unit की बात की जाए तो force का CGS unit हो गया मेरा dyne, और लेंथ का CGS यूनिट हो गया सेंटीमीटर, तो आपका सरफेस टेंशन का CGS यूनिट हो गया dyne per centimeter. तो ये इसके डायमेंशन यूनिट और डेफिनेशन की बात की. तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का पहला क्वेश्चन, रिंग इज कट फ्रॉम अ प्लैटिनम ट्यूब ऑफ 8.5 सेंटीमीटर इंटरनल एंड 8.7 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर. मतलब ये जो आपने रिंग बनाई है इस रिंग का इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर पता है, मतलब इंटरनल रेडियस मुझे पता है और एक्सटर्नल रेडियस पता है. मतलब इंटरनल रेडियस हम कह दिए R1 और एक्सटर्नल रेडियस हो गया हमारा R2. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट है ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बात करें तो R1 की वैल्यू हो गई इंटरनल डायमीटर है 8.5 बाई 2 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर है तो रेडियस हो गया मेरा 8.7 बाई 2 का सेंटीमीटर ना. यह आ गया इट इज सपोर्टेड हॉराइजेंटली फ्रॉम अ पैन ऑफ बैलेंस, तो इसे हॉराइजेंटली है ना इस तरह से बैलेंस किया गया सो दैट इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इन अ ग्लास वेसल, ताकि ये ग्लास वेसल के कॉन्टैक्ट में आए. वॉट इज द सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर इफ एन एक्स्ट्रा 3.97 ग्राम वेट इज रिक्वायर्ड टू पुल इट अवे फ्रॉम वाटर. मतलब इस पर मैंने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ और ये जो ऊपर वाला फोर्स है ये फोर्स बोला गया है 3.97 ग्राम है और ये बैलेंस करेगा आपका ना वेट इज रिक्वायर्ड टू पुल इट अवे फ्रॉम वाटर. तो यहाँ पे बोल सकते हो ये जो लिक्विड के कारण जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा एफ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. और ये जो टोटल लेंथ होगा ये टोटल लेंथ अंदर वाले के लिए हम लिख सकते हैं टी इंटू 2πr. तो अंदर क्योंकि लिक्विड है यहाँ पे एक अंदर पानी हो रहा होगा और एक यहाँ बाहर सरफेस पे पानी हो रहा होगा तो ये अंदर वाला पानी के कारण ऊपर फोर्स लग रहा होगा टी इंटू 2πr1 और बाहर वाले के कारण लग रहा होगा टी इंटू 2πr2 और ये दोनों फोर्स ना F1 और F2 फोर्स मिलके बैलेंस करेगा इसके वेट दैट इज mg को है ना. तो यहां से आप बोल सकते हो F1 plus F2 is equal to मेरा mg, F1 plus F2 is equal to mg बोल सकता हूं. F1 तो हो गया T into 2πr1, फिर F2 हो गया आपका T into 2πr2 is equal to 3.97 ग्राम दिया हुआ है. तो यहाँ पे एक ग्राम है रेडियस सेंटीमीटर में है तो मैं जी की वैल्यू भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले जाता हूँ तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से जो सरफेस टेंशन आएगा वो CGS यूनिट में आ जाएगा तो टी इंटू पाई और यहाँ पे ब्रैकेट में हो गया 2R1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू 3.97 इंटू 980. तो यहाँ से लिखा जा सकता है T इज इक्वल टू ये बना हुआ है 3.97 इंटू 980 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बना हुआ है पाई. 2R1 की वैल्यू है 8.5, 2R2 की वैल्यू है 8.7. जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया पाई की वैल्यू पुट की ये निकल के आया 72.13 CGS यूनिट बोल रहा हूँ तो दैट इज dyne पर सेंटीमीटर. कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये इतना निकल के आएगा.
तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर बेसिकली हमें तीन के लिए देखना है। एक है मेरा वाटर ड्रॉप, ठीक है, दूसरा है मेरा एयर, है ना, एयर बबल करके कह सकते हैं, एयर बबल, और फिर तीसरा है मेरा सोप बबल करके। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये तीनों जो होंगे ये स्फेरिकल शेप के होंगे। वाटर का ड्रॉप भी स्फेरिकल शेप होता है, आपका एयर बबल भी स्फेरिकल शेप होता है, और सोप बबल भी आपका स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कहते हैं, जो वाटर ड्रॉप होता है, जब बारिश होती है तो अंदर है ना उस पेयर के अंदर वाटर होता है और बाहर क्या होता है, एयर होता है। उसी तरह से एयर बबल मतलब जब कोई स्विमर स्विमिंग करते हुए पानी में सांस ले रहा है तो अंदर एयर है और बाहर क्या है आपका, वाटर है। उसी तरह से सोप बबल बोलूं तो सोप बबल में जैसे ना जो बचपन में है ना लेट से आते थे आपके पानी में डुबो के, सोप में डुबो के आप उसे है ना लेट से हवा मारते थे तो सोप के बबल बनते थे, तो सराउंडिंग में एयर होता था, अंदर वाटर होता था, फिर अंदर आपका एयर होता था। अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है। अब वो कितना ज्यादा होता है वो एक्सेस प्रेशर हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे। तो बाहर तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज पी नॉट, है ना, बाहर आपका एक्सेस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट 1 atmosphere है। अब मैं बोलता हूं सोप बबल में, बस हमें याद रखना है दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस दो सरफेस, एयर बबल और वाटर ड्रॉप में एक ही सरफेस है। अब यहां पे बात हो रही है जब एक सरफेस आप क्रॉस करके आते हैं, बाउंड्री क्रॉस करके आते हैं, तो अंदर जो प्रेशर होगा वो बाहर प्रेशर से ज्यादा होगा, और वो कितना ज्यादा होगा वो हम बात करें तो यहां पे होता है पी नॉट प्लस, ये होता है एक सरफेस को क्रॉस करने पे 2T/R, यहां पे T उस लिक्विड का सरफेस टेंशन हो गया और R उस पेयर का रेडियस हो गया। तो ये याद रखना है एक सरफेस को क्रॉस करके आने पे जो प्रेशर बढ़ेगा, अंदर जो प्रेशर एक्सेस होगा वो होता है सिंपली पी नॉट प्लस 2T/R। और अगर यहां पे बात करूं यहां से यहां पे आता तो यहां तो प्रेशर होता पी नॉट प्लस 2T/R, पर यहां पे मैं एक सरफेस नहीं यहां दो सरफेस क्रॉस करूंगा, फिर एक और सरफेस क्रॉस करूंगा, तो ये हो गया और 2T/R कर दिया जाए तो यहां पे प्रेशर हो गया आपका 4T/R। तो यहां पे अगर बात की जाए कितना एक्सेस प्रेशर होने गया, है ना, एक्सेस प्रेशर वाटर ड्रॉप में कितना है आपका इनसाइड 2T/R, उसी तरह से एयर बबल में एक्सेस प्रेशर इनसाइड कितना है 2T/R, और सोप बबल में एकदम अंदर वाले सरफेस में से प्रेशर है ना बाहर वाले से कितना ज्यादा है मेरा 4T/R करके। ये आपको तीन रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं और इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी ये कैसे 2T/R आया ये भी मैं डिस्कस कराऊंगा। तो अभी आगे बढ़ने से पहले यहां तक आप स्क्रीन, एक्सेस प्रेशर कैसे मेरा 2T/R या 4T/R आया ये हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने सोप बबल में देखा अंदर में एक्सेस प्रेशर 4T/R होता है, तो इसको समझाने के लिए सपोज हमने क्या किया, इस जो स्पेयर है इसको मैंने कट किया बीच से, तो अगर बीच से कट करता हूं तो मेरा सिचुएशन कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, है ना, ये रहा मेरा ना ये पार्ट वाला सिचुएशन दिखा रहा हूं इसके इस साइड वाला। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि यहां पे हम मान लेते हैं इनर और एक्सटर्नल रेडियस दोनों R1 R2 लगभग सेम है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये जो लिक्विड होगा इस लिक्विड के कारण यहां जो फोर्स लग रहा होगा ना यहां पे भी ये फोर्स उतना ही लगेगा, और ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो हम जानते हैं सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितना होता है, तो F/L किया जाए तो F=T×L और L है मेरा 2π और इसका भी रेडियस R और इसका भी मीन रेडियस हमने लिया है R, तो यहाँ पे दो फोर्स लगेगा, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाले है ना ये पूरा F फोर्स यहाँ लगेगा और उतना ही F फोर्स यहाँ लगेगा, तो इस साइड में टोटल फोर्स हो गया मेरा 2 times, है ना, ये आपका सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स हुआ वो निकल के आया F=, हम लिख सकते हैं 2 times T×2πR। 2 times क्यों लिखा है, क्योंकि एक अंदर वाला सरफेस हो गया और एक बाहर वाला सरफेस हो गया, और ये जो फोर्स है
ये फोर्स हम बोल सकते हैं अंदर जो प्रेशर है पी है सपोज, और बाहर प्रेशर है मेरा पी नॉट, तो जो डिफरेंस इन प्रेशर है वो है पी माइनस पी नॉट, और वो पी माइनस पी नॉट जो प्रेशर डिफरेंस है वो पी माइनस पी नॉट प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स कितना आएगा ना, क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस हो गया तो ये पी माइनस पी नॉट, तो फोर्स प्रेशर के कारण हो जाएगा डेल्टा पी इंटू ए, और एरिया जो हो गया जिस पे ये फोर्स लग रहा है वो है मेरा पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स जो हैं मेरे सेम है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ऊपर वाला हो गया 4t पाई आर इज इक्वल टू पी माइनस पी नॉट व्हिच इज एक्सेस प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर से पाई आर कैंसल हुआ, तो यहाँ बच के आया पी माइनस पी नॉट और इंटू आर इज इक्वल टू 4t, तो यहाँ से आप बोल सकते हो पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4t बाय आर व्हिच इज माय एक्सेस प्रेशर, जो अंदर में कितना प्रेशर ज़्यादा होगा दैट इज इक्वल टू 4t बाय आर। अगर मैं वाटर ड्रॉप या है ना लेट से एयर बबल की बात करता तो उस केस में एक ही सरफेस होता, तो यहाँ पे t इंटू टू पाई आर होता और वो बराबर होता p माइनस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 2t पाई आर और यहाँ p माइनस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 2t बाय आर आ जाता, तो सोप बबल के लिए बस ये 4t बाय आर होता है, और आपका है ना एयर बबल या लिक्विड ड्रॉप या वाटर ड्रॉप के लिए 2t बाय आर होता है एक्सेस प्रेशर। हमें एक्सेस प्रेशर को ही ध्यान रखना है कि अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है तो आपका 4t बाय आर सोप बबल में, ये हमने डिराइव किया। इसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे, अब कैसे यूज करेंगे वो भी आगे देखेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक जा रहे हैं फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन, दोनों याद रखना है, दोनों एक टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ना, मतलब एडहेसिव फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है और आपका कोहेसिव फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स जो लगता है वो सेम सब्सटेंस में लगता है, सच एज वाटर वाटर में लग गया, ग्लास ग्लास में लग गया, उसे कहते हैं आप है ना कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट सब्सटेंसेज में जैसे वाटर ग्लास हो गया है ना, ग्लास लेट से है ना वुड हो गया, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट सब्सटेंसेज में लगने वाला फोर्स मेरा कहलाता है एडहेसिव फोर्स। जैसे आप फेविकॉल गम खरीदते हैं तो वहाँ लिखा होता है ना फेविक्विक खरीदते हैं तो स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव मतलब जैसे आप गम से क्या कर सकते हैं है ना, ये चौक को इस है ना प्लास्टिक के साथ चिपका सकते हैं, तो अलग अलग सब्सटेंस हो गया, तो अलग अलग सब्सटेंसेस में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज एडहेसिव फोर्स, और सेम सब्सटेंसेस में लगने वाला फोर्स वाटर वाटर हो गया ग्लास ग्लास हो गया उस फोर्स को कहते हो आप कोहेसिव फोर्स। दोनों एक टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो पहला पॉइंट है इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कोहेसिव फोर्स है। अब इसके कारण हम तीन चीज बताते हैं कि जो आपका सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट एडहेसिव फोर्स होता है, मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, जैसे ये सॉलिड है ना इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स है ना अट्रैक्टिव फोर्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट देन लिक्विड एंड गैसेस, इसीलिए इसके पास एक फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड की बात की जाए वाटर, तो उसमें है ना जो कोहेसिव फोर्स है सेम मॉलिक्यूल्स वाला फोर्स, वो फोर्स वीकर देन सॉलिड है पर स्ट्रॉन्गर देन गैसेज है, जिसके कारण डेफिनेट शेप तो नहीं है पर डेफिनेट वॉल्यूम है, और गैसेज में जो कोहेसिव फोर्स है वो वीकेस्ट है नेग्लिजिबल है, जिसके कारण उसके पास ना ही कोई डेफिनेट शेप ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इन सॉलिड, तो सॉलिड की बात हो रही है आपकी, फोर्स ऑफ कोहेजन इज वेरी लार्ज, सॉलिड में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, सो दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। जबकि लिक्विड की बात की जाए, इन लिक्विड्स फोर्स ऑफ कोहेजन इज वीकर देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड से वीक है पर गैस से स्ट्रॉन्ग है, सो दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, शेप डेफिनेट नहीं है एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, पर वॉल्यूम इनका डेफिनेट है। नेक्स्ट बात की जाए गैसेस की, तो इन गैसेस फोर्स ऑफ कोहेजन इज नेग्लिजिबल, गैसेस में कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है, सो दे हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम, तो इनके पास ना ही कोई फिक्स्ड शेप है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसीलिए ये आपका फोर्स ऑफ कोहेजन है ना के वीकेस्ट होने की वजह से इसका ना ही कोई फिक्स्ड शेप ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है ना,
तो यहाँ पे तीन एग्जांपल्स हम बात करने जा रहे हैं फोर्स ऑफ कोहेजन के। तो पहला एग्जांपल है टू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड कोएलेस इनटू वन व्हेन ब्रॉट इन म्यूचुअल कॉन्टैक्ट। जैसे एक वाटर अगर आप पानी गिराते हैं टेबल पे, तो यहाँ से एक पानी और यहाँ से एक पानी जब आते हैं तो एक दूसरे को मिला के एक बड़ा पानी बनाते हैं ना, कोएलेस कर जाते हैं। कोएलेस का मतलब ज्वाइंट टुगेदर, और किसके वजह से, क्योंकि वाटर वाटर के बीच का जो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है वो उनको ना ज्वाइन करने में मदद करता है। वाटर वाटर का फोर्स, वाटर ग्लास से अगर ज्यादा हुआ तो वो एक ड्रॉपलेट बन जाएगा, और अगर वाटर ग्लास का फोर्स वाटर वाटर से ज्यादा हुआ तो वाटर स्प्रेड कर जाएगा सरफेस पे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट टू स्टिकी प्लेट्स वेटेड विद वाटर। अगर दो प्लेट को आपने थोड़ा पानी लगा के चिपका दिया ग्लास को लेट से, तो यहाँ पे बोला गया वाटर ग्लास के बीच फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि इनको सेपरेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी हम बोल सकते हैं जब यहाँ पे कॉन्टैक्ट में ला दोगे तब तो वाटर वाटर आ गया एक दूसरे कॉन्टैक्ट में, तो वाटर वाटर के बीच इतना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स हो जाता है कि उसको हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी रीजन आपका कोहेसिव फोर्स है। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ मर्करी इंटू स्ट्रॉन्ग है ना स्मॉल ड्रॉपलेट्स ड्यू टू लार्ज कोहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल्स। तो जैसे अगर आप एक थर्मोमीटर अगर ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने पे जो है ना मरकरी स्पिल होती है, उस मरकरी को अगर आप दबाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो मरकरी टूटती नहीं है ना। जैसे आपने दबाया तो जैसे जेल होता है तो नीचे से निकल के ऊपर आ जाती है, क्योंकि मरकरी मरकरी में जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू मरकरी एंड है ना लेट्स से ग्राउंड। तो इसीलिए मरकरी हमेशा एक है ना स्पेरिकल शेप लेती है, पर वाटर जो होती है वाटर ग्लास का लेट्स से फोर्स ज़्यादा होता है, तो इसलिए वाटर स्प्रेड कर जाता है। इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे इस प्रॉपर्टी को। अब आते हैं फोर्स ऑफ रेडिएशन। तो फोर्स ऑफ एडिशन भी एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये डिफरेंट सब्सटेंस में लगता है। जैसे फेविक्विक में हमें लेट से ना प्लास्टिक को लेट से हाथ से चिपकाना है ना, तो दो अलग अलग सब्सटेंस, तो यहाँ एडहेसिव फोर्स लगेगा। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसे वाटर ग्लास, ग्लास उड है ना कोई भी। अब इसके एग्जाम्पल बात करें तो राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड विद अ चॉक। तो जैसे मैं चॉक से लिख रहा हूँ इस ब्लैक बोर्ड पे, तो आराम से लिखा जा रहा है। ये चॉक और ये ब्लैक बोर्ड दोनों अलग सरफेस है, पर इनके बीच स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स है जिसके कारण आराम से लिखा जा रहा है, ये रिपेल नहीं कर रहा। नेक्स्ट है राइटिंग ऑन पेपर विद इंक। जब आप पेपर पे इंक पेन से लिखते हैं तो आराम से लिखा जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट है लार्ज फोर्स ऑफ कोहेशन एडहेशन बिटवीन सीमेंट एंड ब्रिक्स हेल्प्स अस इन कंस्ट्रक्शन वर्क। जब आप घर बनाते हैं तो ना सीमेंट रखते हैं, सीमेंट के ऊपर ईंट रखते हैं, फिर सीमेंट रखते हैं, तो उनके बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आप सिर्फ सीमेंट सीमेंट या ब्रिक ब्रिक रख के नहीं कर सकते है ना, तो ये प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा है एडहेसिव प्रॉपर्टी को है ना इन बिल्डिंग है ना लेट से। नेक्स्ट है वाटर वेट्स द ग्लास प्लेट। तो मैंने बोला था वाटर को जब ग्लास पे रखेंगे तो वाटर ग्लास का है ना एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण वो ग्लास प्लेट को वेट कर देता है कंपेयर टू वाटर। वाटर का उतना स्ट्रांग फोर्स नहीं है, इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट नहीं बनाता। जबकि मरकरी को जब आप ग्लास प्लेट पे रखेंगे तो मरकरी जो है मरकरी मरकरी के बीच इतना ज़्यादा स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स है कि वो एक ड्रॉपलेट बनाता है ना कि स्प्रेड करता है। नेक्स्ट बोला गया फेविकॉल एंड गम आर यूज्ड इन ग्लूइंग टू सरफेसेस टुगेदर। जो फेविकॉल है, गम है ना, वो आपके दो सरफेसेस को ग्लू करने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाए आपसे वाटर वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट एक्सप्लेन व्हाई, तो आप लिखेंगे वाटर वाटर का फोर्स वीक है एडहेसिव फोर्स से, मतलब कोहेसिव फोर्स वीकर है एडहेसिव फोर्स से, तो वाटर वेट्स है ना वाटर वेट्स ग्लास। अगर मैं बोलता हूं वाटर वेट्स ग्लास प्लेट है ना ग्लास, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि वाटर वाटर के बीच जो फोर्स है वो वाटर ग्लास के बीच के फोर्स से वीकर है ना, मतलब वाटर और ग्लास के बीच ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है, मतलब यहाँ पे एडहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, इसीलिए वाटर जो होगा वो ग्लास को वेट कर देगा ना, वाटर ग्लास में ज्यादा फोर्स है इसे वेट कर दिया। मरकरी जो है डज नॉट वेट ग्लास, तो मरकरी ग्लास को वेट क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मरकरी मरकरी के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो मरकरी ग्लास के बीच के फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स
एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है, जिसके वजह से मरकरी वेट करने के बजाय एक ड्रॉपलेट बनाता है, ग्लोब्यूल बनाता है ना। तो वाटर ग्लास को वेट करता है और मरकरी नहीं करता। सिंपल रीजन है, कोहेसिव और एडहेसिव में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो हमने दिखाया, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि एक बॉडी को वेट कर रहा है और एक दूसरा वेट नहीं कर रहा। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ सब्सक्राइब कीजिए आयोडा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।